Assalamu alaikum khawateen o hazrat, hope you all are fine and welcome back with another video. To jaise aap log ko idea ho gayi ki aaj kal badi baatein chal rahi hain ki yaar Misbah ulak, maine pehle bhi is pe video banayi thi ki yaar tour pe England ke tour hi tha I think so, to sunne mein aa raha tha ki yaar Misbah ulak ko PCB ne kaha hai ki yaar aap apni ek jo duty hai chief selector ya head coach mein se ek duty chhod do aur wo hum koi aur select karenge. To jaisa maine aapko pehle video mein bataya tha ki yaar usme I think so Shoaib Akhtar tha, Shahid Afridi, aur abhi bhi kafi news aa rahi hain ki yaar Shoaib Akhtar ko chief selector bana diya jayega ya Shahid Afridi ko chief selector बना दिया जाएगा. तो मैंने सोचा कि यार आप सबको कंफर्म न्यूज़ दे दूँ, बिल्कुल एक्यूरेट बता दूँ क्या सिचुएशन चल रही है, और मैं आपको बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ दूँगा. आपने बस खाली इतना करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है नीचे, फिर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा. तो अच्छा वीडियो शुरू करते हैं. जैसे कि आपको आइडिया है कि यार पीसीबी ने कहा था उनको, लेकिन पीसीबी के एक ऑफिशियल, एक ऐसा नुमाइंदा जिसने ये किस्म की स्टेटमेंट दी है कि यार हमारी कोई बात भी नहीं चल रही शोएब अख्तर से और अफरीदी से, और मिसबाह उल हक की हमारे चीफ सेलेक्टर रहेंगे, क्योंकि ये लोग अपने सर पे कोई ऐसा बंदा नहीं लेके आ सकते जो कि इनकी गलत डिसीजंस के ऊपर आर्ग्यू कर सके, जिसमें शोएब अख्तर आते, शायद अफरीदी आते, जो कि दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, और ये लोग मिसबाह उल हक जैसे बंदों को ही अपने साथ रखेंगे जो कि बस इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें और पाकिस्तान टीम और ख़राब होती जाए. तो आज की न्यूज़ में इतना ही कि यार शायद ना शायद अफरीदी आने वाला है ना शोएब अख्तर आने वाला है, और जो चीफ सेलेक्टर रहेगा मिसबाह उल हक और हेड कोच भी रहेगा मिसबाह उल हक. तो अल्लाह हाफ़िज़.